हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स स्टार्ट किया है हमने। तो मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स में इनवर्स अगर फाइंड करना है मैट्रिक्स का, दो टाइप से, फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड बाय एडजॉइंट मेथड। सो आज से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट जो एलिमेंट्री एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, सो उसमें दो टाइप से, फर्स्ट टाइप है इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आपको ओनली वन ही प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे आप, या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो उसमें आपको मालूम है कि ए जो मैट्रिक्स है, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है स्लोली। राइट साइड में जो मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। सो उसके लिए अगर इनवर्स फाइंड करना है इस मेथड से, तो थ्री डेफिनेशन इसमें है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है उसमें माइनर, सेकंड है कोफैक्टर, और थर्ड डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो माइनर ऑफ एलिमेंट, नो माइनर मीन्स व्हाट? सो माइनर ऑफ एलिमेंट इज ऑब्टेंड बाय इग्नोरिंग माइनर ऑफ एलिमेंट। सपोज ए आई जे इज वन ऑफ द एलिमेंट, ए आई जे इज एलिमेंट है मैट्रिक्स में किस एक रो का, अगर इसका माइनर फाइंड करना है, सो माइनर ऑफ एलिमेंट इज ऑब्टेंड बाय इग्नोरिंग आई रो एंड जेथ कॉलम। सो जेथ कॉलम मीन्स इन विच रो और कॉलम दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट, इग्नोर दैट रो और कॉलम एंड रिमेनिंग टेक दैट रिमेनिंग एलिमेंट्स एज ए माइनर। एग्जाम्पल, अगर माइनर आपको फाइंड करना है A11, तो माइनर इज इंडिकेटेड बाय एम आई जे, एम ए एम आई जे। अगर माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11 का फाइंड करना है, तो इग्नोर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर करना है, जिस रो में और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है, वो रो और कॉलम आपको निग्लेक्ट करना है। तो ओनली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निग्लेक्ट किया, तो फोर यहाँ पे बाकी है, तो फोर इज माइनर ऑफ M11। अगर आपको सेकंड, तो माइनर ऑफ एलिमेंट M12 एलिमेंट कौन सा है, M1 एंड 2 में 3 है, तो 3 का अगर माइनर फाइंड करना है, M12 मींस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इग्नोर करो, जो एलिमेंट इधर बाकी है वो -2, तो ये हो गया माइनर ऑफ M12। सो सिमिलर वे 2-1 माइनर ऑफ 2-1, सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 माइनर ऑफ 2-2 4 का माइनर है ओनली 1। सो दीज आर द माइनर ऑफ एलिमेंट 1-3 -2-4। सो फर्स्ट 1 का माइनर है 4, 3 का -2, अगेन -2 का 3, 4 का माइनर 1, मीन्स वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम है वो इग्नोर करना है। ये हो गया 2x2 ऑर्डर का आपने माइनर फाइंड किया। अगर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, एग्जांपल 1-3-2-2-4-3-0-3-1, तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, सो माइनर ऑफ फाइंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट। सो डेफिनेशन क्या है, सो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज ऑब्टेंड बाय इग्नोरिंग आई थ्रो एंड जे कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज, मीन्स आपको इसमें क्या करना है, अगर 1 का माइनर फाइंड कर रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर रहा है, तो जो एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट लेना है। तो अगर 3x3 मैट्रिक्स है, सपोज माइनर M11, तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर M11, सो इग्नोर करना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स है 4-3-3-1, तो 4-3-3-1 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे इग्नोर किया है, तो बाकी जो एलिमेंट्स है उसका डिटरमिनेंट ले लिया है। तो इसमें
टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, फोर इंटू वन फोर माइनस नाइन माइनस और माइनस प्लस नाइन, तो इसका माइनर हो गया थर्टीन। अगेन एम वन टू, सो माइनर ऑफ एम वन टू, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मीन्स दिस फर्स्ट रो, नेग्लेक्ट दिस फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो माइनस टू जीरो, माइनस टू जीरो एंड माइनस थ्री वन, माइनस टू जीरो माइनस थ्री वन, तो ये हो गया एम वन टू का। तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, माइनस टू माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो मीन्स इसका माइनस टू हो गया माइनर। अगेन सिमिलर वन थ्री फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो माइनस टू जीरो एंड फोर थ्री, तो अगेन थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, फोर इंटू जीरो जीरो सेम माइनस टू वन, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम थ्री थ्री टू वन, थ्री माइनस थ्री टू टू सिक्स माइनस थ्री माइनस, अगेन टू टू, सो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम वन जीरो टू वन, वन जीरो टू वन, तो वन इंटू वन वन, टू इंच जीरो जीरो मीन्स माइनर इसका वन हो गया। तो सिमिलर माइनर ऑफ सॉरी टू थ्री सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसमें सेकंड रो और थर्ड कॉलम इग्नोर करेंगे, वन जीरो थ्री थ्री एलिमेंट्स जो बाकी यहाँ पे रहते हैं वो वन जीरो थ्री थ्री, तो इसको सॉल्व करेंगे थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू जीरो जीरो हो गए। अगेन यम थ्री वन, यम थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम थ्री फोर टू माइनस थ्री, थ्री फोर टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इंटू माइनस नाइन माइनस एट इक्वल टू माइनस सेवनटीन, माइनस माइनस सेवनटीन। अगेन यम थ्री टू, सो यम थ्री टू मीन्स थर्ड रो और सेकंड कॉलम नेग्लेक्ट इग्नोर करना है आपको, थर्ड रो और सेकंड कॉलम इग्नोर करना है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम वन माइनस टू टू माइनस थ्री, वन माइनस टू टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस फोर मीन्स फोर माइनस थ्री वन। लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम वन माइनस टू एंड थ्री फोर, सो फोर इंटू वन फोर माइनस ऑफ माइनस सिक्स टेन हो गए। अगर थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका अगर माइनर फाइंड करना है तो माइनर का डेफिनेशन क्या है, तो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज ऑब्टेन्ड बाय इग्नोरिंग आई थ्रो एंड जेड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज, सो टेक अदर एलिमेंट्स एज अ माइनर इन टू बाई टू मैट्रिक्स वी हैव सीन हियर एम वन वन, सो माइनर ऑफ एम वन वन इज फोर मीन्स इग्नोर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बट इन थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स सो इग्नोर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड टेक डिटरमिनेंट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, जो बाकी एलिमेंट्स है उसका आपको डिटरमिनेंट लेना है और डिटरमिनेंट को वैल्यू फाइंड करना, वो हो गया माइनर। सो ये डेफिनेशन थ्री बाई थ्री ऑर्डर का माइनर हो गया एम वन वन, जिस रो में वो एलिमेंट है सो वो रो और कॉलम आपको नेग्लेक्ट करना है और बाकी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लेना है, उसका वैल्यू होगा माइनर। नाउ सेकंड डेफिनेशन है कोफैक्टर, सेकंड डेफिनेशन है कोफैक्टर, सो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज ऑब्टेन्ड बाय, तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, मीन्स अगर ए आई जे एलिमेंट का अगर कोफैक्टर फाइंड करना है तो ए आई जे कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे इक्वल टू माइनस वन प्लस टू इन विच रो और कॉलम दैट एलिमेंट एग्जिस्ट, मीन्स आई प्लस माइनस वन प्लस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, एम आई जे मीन्स
माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, वो फैक्टर मींस अगर ए वन वन का आपको कोई फैक्टर चाहिए तो ये फॉर्मूला है ए वन वन इज इक्वल टू माइनस वन एस टू। ए वन वन मीन्स ए वन वन का आपको कोई फैक्टर फाइंड करना है माइनस वन एस टू आई प्लस जे। आई प्लस जे मीन्स फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम वन प्लस वन इन टू एम वन वन। सो एम वन वन मीन्स माइनर ऑफ दैट एलिमेंट ए वन वन, ए वन वन का माइनर। सो एम वन वन यही मैट्रिक्स आप एग्जाम्पल इसका ही फाइंड करेंगे। तो ये एम वन वन इज इक्वल टू फोर, एम वन टू इज इक्वल टू माइनस टू, एम टू वन इज इक्वल टू थ्री, ये आपने माइनस फाइंड किया। सो सो को फैक्टर मीन्स ओनली क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला है को फैक्टर ए आई जे इज इक्वल टू ए वन वन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू आई प्लस जे। माइनस वन रेस टू आई प्लस जे मीन्स अगर इस एलिमेंट का आपको को फैक्टर फाइंड करना है तो उसका माइनर मालूम होना चाहिए। सो वन का माइनर है यहाँ पे एम वन वन फोर है, तो सेम एम वन वन यहाँ पे फोर लिखेंगे, माइनस वन एस टू वन प्लस वन लिखेंगे, माइनस वन एस टू वन प्लस वन एम वन वन। सो यहाँ पे माइनस वन एस टू वन प्लस वन टू एंड एम वन वन मीन्स इस वन का माइनर फोर है, तो फोर माइनस वन एस टू टू वन इन टू फोर इक्वल टू फोर इज को फैक्टर, को फोर इज को फैक्टर ऑफ ए वन वन। अगेन सिमिलर अगर आपको ए वन टू को फैक्टर ए वन टू निकलना है तो माइनस वन रेस टू वन प्लस टू एंड एम वन टू। सो माइनस वन रेस टू वन प्लस टू थ्री इंटू एम वन टू माइनर ऑफ एम वन टू। सो एम वन टू का माइनर है माइनस टू, एम वन टू का माइनर है माइनस टू, तो यहां पे माइनस टू लिखेंगे। अगेन माइनस वन एस टू थ्री माइनस वन इन टू माइनस टू दिस बिकम प्लस थ्री। तो दिस इज को फैक्टर ऑफ ए वन टू, ए वन टू का को फैक्टर होगा। सिर्फ अगर आपको टू वन का माइनस वन एस टू टू प्लस वन, टू वन का को फैक्टर चाहिए, टू प्लस वन मीन जिस रो में वो एलिमेंट है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम उसका को फैक्टर फाइंड करना है आपको, मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टू का को फैक्टर फाइंड करना है। तो माइनस टू का अगर को फैक्टर फाइंड करना है तो पहले आपको माइनर मालूम होना चाहिए, तो माइनर इन टू माइनस वन एस टू प्लस वन करना है। सो यहाँ पे माइनर टू वन तो माइनस वन एस टू टू प्लस वन थ्री, ये माइनस वन हो गए, एम टू वन तो टू वन का माइनर है थ्री माइनस थ्री, ये हो गया माइनस थ्री जिसका को फैक्टर हो गया एम टू वन का। अगेन आपको अगर ए टू टू मीन्स ए टू टू एलिमेंट ए स्मॉल ए टू टू एलिमेंट फोर, फोर का अगर को फैक्टर फाइंड करना है तो आपको ए माइनर मालूम होना चाहिए, फोर का माइनर मीन्स एम टू टू का माइनर है वन। सो माइनस वन रेस टू जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट है सेकंड रो और सेकंड कॉलम मीन्स टू प्लस टू ए टू टू इन टू एम टू टू। सो माइनस वन रेस टू टू प्लस टू फोर इन टू एम टू टू वन है, तो माइनस वन एस टू फोर प्लस वन एंड प्लस वन इंटू वन वन, तो ये हो गया को फैक्टर। सो ए वन वन का को फैक्टर आ रहा है फोर, ए वन टू का को फैक्टर है थ्री, ए टू वन का को फैक्टर है माइनस थ्री, ए टू टू का को फैक्टर वन। तो आपको माइनर और को फैक्टर, माइनस मीन्स नेगेटिव आई थ्रो एंड जज कॉलम, सो जो एलिमेंट बाकी बचता वो हो गया माइनर। तो को फैक्टर में को फैक्टर फॉर्मूला है माइनस वन रेस टू आई प्लस जे, माइनस वन रेस टू आई प्लस जे मीन्स वो एलिमेंट जिस एलिमेंट का को फैक्टर फाइंड करेंगे वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसका माइनस वन रेस टू करना है इनटू उस का माइनर आपको मल्टीप्लाई करना है उससे, वो हो गया को फैक्टर मैट्रिक्स। सो इसमें अगर ऑर्डर थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स है, थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर को फैक्टर फाइंड करना है आपको थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स,
आपने इधर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स माइनस फाइंड किया इधर, तो जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट एग्जिस्ट है वो एलिमेंट छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का आपको डिटरमिनेंट लेना और उसका वैल्यू वो हो गया माइनस। अब को फैक्टर, तो यही 3x3 ऑर्डर का ये एलिमेंट्स का आपको को फैक्टर फाइंड करना है। तो को फैक्टर का डेफिनेशन है, को फैक्टर डिनोटेड एज कैपिटल ए आई जे माइनस 1:i+j इंटू m11। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस 1:i(j) मीन्स माइनस 1:2 वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं उसका एडिशन इंटू उसका माइनर, मीन्स ये माइनर आपको यहाँ पे को फैक्टर में आपको इधर पुट करना है। तो फर्स्ट ए वन वन, तो फर्स्ट को फैक्टर ऑफ ए वन वन, तो को फैक्टर ऑफ ए वन वन मीन्स फॉर्मूला माइनस 1:1 ए वन वन 1+1 इंटू एम वन वन मीन्स एम वन वन का माइनस कितना आ रहा है इधर 13, तो 13 तो माइनस 1:2 मीन्स माइनस 1:2 मीन्स प्लस 1 इंटू 13, सो 13 एज को फैक्टर ऑफ एम वन वन। अगेन ए वन टू, सो माइनस 1 माइनस 1:2 1+2 इंटू यहां पे एम वन टू, सो माइनस 1:2 माइनस 1:2 2+1 3 इंटू एम वन टू, एम वन टू माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 2:3 मीन्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, सो दिस इज को फैक्टर। अगेन ए 1:3 माइनस 1:2 डायरेक्टली 1+3 4 इंटू एम 1:3, तो माइनस 1:4 प्लस 1 इंटू एम 1:3, सो इसका माइनर है माइनस 6, सो एज इट इज माइनस 6। अगेन ए 1:3 हो गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2:1, तो माइनस 1:2 2+1 3 इंटू एम 2:1 माइनस 1:3 मीन्स माइनस 1 इंटू एम 2:1, सो 2:1 का माइनस यहाँ पे माइनस 3 आ रहा है, सो माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस 3, सो दिस इज को फैक्टर ऑफ ए 2:1। अगेन ए 2:2, सो माइनस 1:2 2+2 4 इंटू एम 2:2, तो एम 2:2 1, सो माइनस 1:4 मीन्स प्लस 1, सो 1 इंटू 1 1। सिमिलर 2:3 माइनस 1:5 इंटू एम 2:3, सो एम 2:3 का माइनर यहाँ पे 3 आ रहा है, एम 2:3 का माइनर 3, सो 3 यहाँ पे माइनस 1:5 मीन्स माइनस 1 इंटू 3, तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अगेन ए सॉरी ए 3:1, सो माइनस 1:4 इंटू ए 3:1 का माइनर, ए 3:1 का माइनर माइनस 17, तो माइनस 17 माइनस 1:4 प्लस 1 इंटू माइनस 17 इक्वल टू माइनस 17। अगेन ए 3:2 माइनस 1:3 + 2 5 इंटू माइनर ऑफ ए माइनर ऑफ दैट इज ए 3:2 का माइनर यहाँ पे 1 आ गया है, सो 1 यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 1:5 मीन्स माइनस 1 इंटू प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। लास्ट को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए 3:3 मीन्स इसका ए 3:3 को फैक्टर फाइंड करेंगे, तो माइनस 1:6 इंटू माइनर ऑफ ए 3:3, सो 10 आ गया इधर 10, सो माइनस 1:6 प्लस 1 इंटू 10, सो दीज आर द को फैक्टर ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3। अगर मैट्रिक्स 3/3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके माइनस आपको ऐसे फाइंड करना है, जिस रो में अगर फर्स्ट एलिमेंट का माइनर आपको फाइंड करना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे, जो बाकी एलिमेंट से 4, 3, -3, 1 का डिटरमिनेंट लेना है, उसका वैल्यू हो गया माइनर। सेम प्रोसीजर ऑल एलिमेंट्स को फॉलो करना है आपको। सो ये हो गया माइनस का। अगर उसके ही को फैक्टर फाइंड करना है तो को फैक्टर के लिए फॉर्मूला है aij = -1/2। aij is denoted by capital AIJ और माइनर डिनोटेड एज कैपिटल MIJ। सो aij = -1/2 i+j मींस जिस एलिमेंट का आपको को फैक्टर फाइंड करना है उसका एडिशन लेना है। अगर a11 का फाइंड करना है तो 1+1 हो जाएगा इधर इनटू m11 मींस वही एलिमेंट का माइनर। तो माइनर यहां पे आपने फाइंड किया 13, तो -1/2 1+1 किया है तो फर्स्ट को फैक्टर a11 का को फैक्टर 13, a12 का को फैक्टर आ रहा है 2 आ रहा है, -1/2 1+2 3 किया है और m12 का को फैक्टर यहां पे -2 मींस 2 -6। सो यहां इसका यूज करके आप को फैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। को फैक्टर मैट्रिक्स दैट इज aij इज इक्वल टू को फैक्टर मैट्रिक्स तो a11 13 अगेन a12 2 -6 3 1 -3 -17 -1 एंड लास्ट 10। ये हो गया को फैक्टर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का को फैक्टर मैट्रिक्स मींस ये मैट्रिक्स जो पहले फर्स्ट माइनर फाइंड करना है तो माइनर का यूज करके आपको यहाँ पे को फैक्टर्स फाइंड करना है। वो को फैक्टर्स अगर मैट्रिक्स फॉर्म में आप इधर लिख रहे हैं तो हो गए को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब थर्ड डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट थर्ड डेफिनेशन है, ए इनवर्स अगर फाइंड करना है तो आपको माइनस फाइंड करना है कोफैक्टर, और लास्ट में थर्ड स्टेप में एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मींस ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको मिला है उसका आपको ट्रांसपोज लेना है, वो होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या ए आई जे का ट्रांसपोज, मींस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। सो ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू और ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स मींस जो फर्स्ट रो 13 2 माइनस 6 वो कॉलम 2 माइनस 6 सो 3 1 माइनस 3 माइनस 17 माइनस 1 10। सो ये होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अगर ए इनवर्स लास्ट में ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला सो 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड से फाइंड करना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मींस ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस फाइंड करना है। अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3/3 या 2/2 आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस फाइंड करना है। माइनस का यूज करके आपको कोफैक्टर्स फाइंड करना है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स
तो उसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मीन्स वो फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, वो हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ये एंड डिटरमिनेंट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए इनवर्स। सो दिस इज अबाउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो इसमें थ्री डेफिनेशंस अगेन, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजिंग दिस मेथड हाउ वी कैन फाइंड आउट ए इनवर्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।